हंस भगवान से परावर्तित यह संप्रदाय जिसमें सनकादिक महर्षि देवर्षि नारद से निम्बार्क भगवान को पंचपदीय दीक्षा प्राप्त हुई। जानना चाहेंगे कैसे प्राप्त हुई? कलयुग के प्रारंभ में भगवान जब अपनी लीलाओं का संवरण करके अपने वैकुंठ धाम में पधार जाते हैं, उनके प्रस्थान के पश्चात इस धरातल पर, क्योंकि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, अधर्म की अधिकता हो जाती है। इन सभी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने आयुध सुदर्शन चक्र को आदेश करते हैं। सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य सम प्रभ अज्ञानांतिमिरांधान विष्णु मार्गम। हे सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य सम सुदर्शन चक्र राज की जो आभा है, जो प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों के समान है। भगवान अपने आयुध सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाइए धरातल पर, अज्ञानांतिमिरांधानां विष्णु मार्गम प्रदर्शय। जो अज्ञान के वशीभूत होकर अज्ञानमय अंधकार में विलिप्त होकर जो धर्म के मार्ग से, मेरे मार्ग से च्युत हो चुके हैं, उन्हें पुनः विष्णु मार्गम प्रदर्शय। विष्णु का मार्ग, मेरा जो मार्ग है अर्थात धर्म का जो मार्ग है, उस पर पुनः प्रवृत्त करो। तो भगवान की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुदर्शन चक्र राज अरुण ऋषि और माता जयंती के आश्रम में, जो कि तैलंग प्रदेश में, पूर्व में तैलंग प्रदेश था, आज वर्तमान में महाराष्ट्र औरंगाबाद के निकट पैठन, आप सभी जानते होंगे, उसके निकट मूंगी ग्राम वैदुर्य पत्तन, जिसका पुरातन नाम भविष्य पुराण में जो वर्णन है वैदुर्य पत्तन, उस स्थान पर महर्षि अरुण का जो सुंदर आश्रम, उस आश्रम में सुदर्शन चक्रराज ने नियमानंद के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए नियमानंद भगवान की। नियमानंद ने अवतार धारण किया, अद्भुत प्रतिभा, वो तो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। अल्पकाल में ही संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करके नियमानंद भगवत भक्ति में तल्लीन हो गए। एक समय ब्रज मंडल से कुछ संत महात्मा दक्षिण भारत की यात्रा के लिए पधारे, अरुण ऋषि का आश्रम देखा, उसमें देखा ऋषि वृंद और वेद बालक पठन कर रहे हैं, आकर विश्राम की आकांक्षा भी व्यक्त की। अरुण ऋषि ने यथोचित स्वागत किया। सायंकाल को जब सभी ब्रजवासी
सत्संग के लिए बैठे। उन्होंने बड़ी ब्रज की महत्ता का वर्णन किया तो नियमानंद को उत्कंठा हुई कि मैं भी ब्रज मंडल में जाकर वहां पर भगवान की आराधना करें। कालांतर में नियमानंद ब्रज मंडल में पधारते हैं। उधर ब्रह्मा जी को फिर भ्रम हुआ। उन्हें पता चला कि सुदर्शन चक्र ने अवतार लिया धरातल पर। यह परीक्षा करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कि क्या नियमानंद ही सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, यति वेश में सायंकाल के समय अरुण ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए हुए थे आश्रम से। नियमानंद ने स्वागत किया ऋषि यति का, कहा भगवान भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन बनने में थोड़ा विलंब हुआ, सायंकाल का समय था, अंधकार होने लगा। जब भोजन प्रसाद ग्रहण करने का समय हुआ तो यति ने कहा कि मैं केवल सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करता हूं, अब भोजन नहीं कर पाऊंगा। नियमानंद ने विचार किया, हमारे आश्रम में आए कोई यति यदि बिना भोजन किए जाएंगे तो ये उचित नहीं, उनका सत्कार होना चाहिए। नियमानंद ने निकट में निम्ब के वृक्ष में अपने सुदर्शन चक्र के तेज को समाहित किया और निवेदन किया यति से कि आप देखिए अभी तो प्रकाश है, अभी तो सूर्य यहीं अवस्थित है। यति ने ध्यान लगाकर देखा तो विदित हुआ कि वस्तुतः यही सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। यति रूप से पुनः ब्रह्मा जी अपने स्वयं के रूप में प्रकट हुए और नियमानंद को उसी दिन से, क्योंकि निम्ब के वृक्ष में अर्क यानी सूर्य के दर्शन कराए, इसलिए नियमानंद को निम्बार्क नाम से अभिषिक्त किया और कहा आज से आपको संपूर्ण सृष्टि निम्बार्क नाम से जानेगी। बोलिए निम्बार्क भगवान की जय। तब से निम्बार्क भगवान की, ये निम्बार्क संप्रदाय अनवरत प्रचलित है। उन्हीं निम्बार्क भगवान को देवर श्री नारद से सर्वेश्वर प्रभु की सेवा शालिग्राम स्वरूप प्राप्त हुई, जो कि निम्बार्काचार्य पीठ में आज भी उसी प्रकार सेवित हैं। जितने भी भक्त आचार्य पीठ जाते हैं उन्होंने दर्शन किए हैं सर्वेश्वर भगवान के।